गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोगों का सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन और बैच अनाउंसमेंट के लिए आया हूँ। तो फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस में कुल मिला करके ठीक है पाँच सब्जेक्ट्स हैं और आपके टीचर के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रभाकर सर बता रहे हैं, डाटा बेस मैनेजमेंट सौरभ सर, डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग एल्गोरिदम यूजिंग सी ठीक है अरविंद सर के हाथ में है, पाइथन प्रोग्रामिंग अविनाश सर, नए सर हैं, आपको नए सर दिख रहे होंगे, ये सर आपको थर्ड सेमेस्टर में नहीं मिले थे बट वेल एक्सपीरियंस्ड वेल बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बोलेंगे इनको और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रखे हैं। पाइथन हो गया, कंप्यूटर ग्राफिक्स सौरभ सर ठीक है, सौरभ सर को दो सब्जेक्ट मिले हैं, बाकी एक एक सब्जेक्ट आपके मिले नहीं, चार फैकल्टी पाँच सब्जेक्ट को डील करेंगे यहाँ पर ठीक है। तो हमारी कहाँ कहाँ क्लासेस चलेंगी, ऑफलाइन बैचेस चार जगह पर हो रही हैं ठीक है, एक राजीव नगर, एक फुलवारी शरीफ, एक गुलजार बाग और एक मुजफ्फरपुर। सभी के अपने इंक्वायरी नंबर्स दिए गए हैं और वहाँ पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ऑफलाइन बैचेस 2 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगी ठीक है। अब 2 जुलाई से अब जब भी बैच स्टार्ट होगी तो अब 2 जुलाई का टाइमिंग क्या होगा, किस समय कहाँ होगा, तो जिस सेंटर पर आपको जाना है वहाँ पर जाकर उसके नंबर पर कॉल कर लें और वहाँ से वहाँ का शेड्यूल ले लें आप ठीक। सर इसकी फ़ी क्या होगी, 6100 वन टाइम पेमेंट, 6100 वन टाइम पेमेंट ठीक है, और आप आके डेमो क्लास कर सकते हैं, डेमो क्लास देखिए अच्छा लगेगा, फिर हम लोग एडमिशन्स के लिए बात करेंगे ठीक। क्या ऑनलाइन वीडियोस मिलेंगी, यस ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस इसकी हम लोग 4 जुलाई से इसे देने की बात कर रहे हैं, मतलब रेगुलर देने की बात कर रहे हैं। ट्रेंडिंग वीडियोज़ आपके ऐप में आ चुकी हैं जिसे आप देख सकते हैं, डेमो वीडियोज़ कहेंगे या ट्रेंडिंग वीडियोज़ कहेंगे, आप अपनी भाषा में जो बोलें ठीक है। तो 4 जुलाई से आपको ट्रेंडिंग वीडियोज़ मिलने लगेंगी ठीक है, और 3000 रुपया इसका फ़ी रखा गया है, 500 रुपया कूपन है, और कूपन 500 रुपया कूपन लगाकर आपको अभी 2500 मिल रहे हैं ठीक है, 2500 मिल रहे हैं। ये कूपन सिर्फ 100 कूपन है मेरे पास, भले ही लिखा हुआ है 100 कूपन, 100 कूपन है मतलब 100 स्टूडेंट, पिछली बार लगभग 137 बच्चे 150 बच्चे के आसपास एडमिशन लिए थे, इसी के बीच वेरी था, तो एग्जैक्टली कूपन की संख्या कम है स्टूडेंट से, मान के चला जा सकता है कि अगर आपका 100 कूपन ख़त्म होता है तो फिर 3000 मिलेगा, कूपन अपने आप ऐप से हट जाएगा ठीक है। तो ये 2 दिन में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, जैसे जैसे एडमिशन्स लेंगे कूपन यूज होते जाएगा ठीक है, इसलिए आप अपना कूपन ब्लॉक कर लें, अपना कूपन ले लें और आप अपना एडमिशन कर लें ठीक है। ऐसा ना हो कि कूपन भी चला गया और पता चला कि सर भारती सर को एडमिशन लेना है, फ़ोन कर रहे सर कूपन हट गया, आप क्या करें, मैं यहाँ था वहाँ था ऐसे था, ये सब नहीं, आप अपने से ठीक अपना एडमिशन सिक्योर कर ले, यदि लक्ष्य में भरोसा है तो, बाकी तो आप अपने ऊपर फ्री हैं, आप आज़ाद हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ सो सुनिएगा ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग एक इन्वायरमेंट है जहाँ पर आपको एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से दिया जाता है, ऑनलाइन कोचिंग ठीक है सब्स्टिट्यूट है ऑफलाइन कोचिंग का, सब्स्टिट्यूट कभी भी किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट अच्छा नहीं होता है ठीक है। मैं खुद बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन अच्छा नहीं है, जबकि खुद ऑनलाइन भी दे रहा हूँ ठीक है, ऑनलाइन सब्स्टिट्यूट होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब उसकी जगह पर कुछ समय के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोई दूसरा वस्तु ठीक है, किसी दूसरे जगह पर यूज करें कुछ समय के लिए, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं उसको। लेकिन बात एक बात समझिएगा, ऑफलाइन क्लासेस का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, ऑफलाइन क्लासेस में टीचर इंटरेक्ट होते हैं आपसे और ऑफलाइन क्लासेस में ही आपको सब कुछ दी जाती है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आप हमसे कटे हुए रहते हैं, मतलब आप कमरे के अंदर हैं, क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं, ये सबसे बड़ी बात है, हर एक को बोल रहा हूँ ये बात, लेकिन बात लोग जितना समझ पा रहे हैं वो ऑफलाइन क्लासेस में आ रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं वो अपना ऑनलाइन क्लासेस में रह रहे हैं ठीक। इसको एक और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अभी आपका जनरेशन ऑनलाइन क्लासेस का है, आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, क्या आपका जो जनरेशन आएगा यानी आपके जो बच्चे होंगे, क्या वो बच्चे को आप ऑनलाइन क्लासेस दोगे, घर में ही रख लेना ऑनलाइन क्लासेस रख लेना, स्कूल मत भेजना ठीक है। सोचना कि स्कूल बच्चे को क्यों भेजा जाता है, स्कूल में एक सर होते हैं या मैडम होती हैं जो सभी बच्चों को बताती हैं कि ये करना चाहिए ये करना चाहिए ये करना चाहिए, नहीं तो हर आदमी एक अपने घर में स्कूल खोल लेता, एक ट्यूटर रखता, स्कूल खोल लेता और सारा इन्फॉर्मेशन देने लगता। लेकिन नहीं, समाज नाम की कोई चीज़ होती है, इन्वायरमेंट नाम का कोई चीज़ होता है, वातावरण नाम का कोई चीज़ होता है, जहाँ पर आप मैनर्स के साथ साथ एजुकेशन भी सीखते हैं और वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सिर्फ एजुकेशन जो कि लेक्चर्स में है उतने ही से सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। चलिए तो
मेरा काम है आपको बस रास्ता दिखाना, ऑफलाइन क्लासेस पे आए, ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करें, बढ़िया से पढ़ें और एक इंजीनियर बने और कहीं अच्छे मुकाम को हासिल करें। इसी शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक दे रहा हूँ और आगे लक्ष्य पे भरोसा करके आगे पढ़ने की बात कर रहा हूँ। जो जो परेशानियाँ होती हमसे डिस्कस करें और डिस्कस करने के बाद आपकी परेशानी को जितना हो सकेगा मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए इस वादे के साथ कि मैं हमेशा बेस्ट और अच्छा एजुकेशन देते रहूँगा, ठीक है। जहाँ जहाँ गलतियाँ होंगी वहाँ वहाँ आप हमें आकर के बताएंगे कि ये सर यहाँ पर दिक्कत हो रही है, यहाँ इसको ठीक कर दें। मैं उसी वादे के साथ आगे बढ़ते रहूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।